हेलो व्यूअर्स, आज मैं बेसिक्स लेसन का सेकेंड पार्ट जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। पिछले जो पहला लेसन था उसमें मैंने आपको गिटार होल्डिंग से लेकर पिक्स होल्डिंग से लेकर और फिंगर में का लेसन दिया था मैंने, कैटरपिलर लेसन। आज मैं फिंगरिंग के और दो लेसन मैं आपको दिखाऊंगा। एक का नाम है स्नेक, दूसरे का नाम है स्पाइडर। तो शुरू करते हैं पहला लेसन आपका स्नेक लेसन। स्नेक लेसन में हमें कैसे प्ले करना है, हर स्ट्रिंग जो है हमने चार फिंगर से, हमने 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड का चार फिंगर से हमने हर स्ट्रिंग का चार चार फ्लेट्स प्ले करते नीचे आएंगे। तो हमने चार चार फ्लेट्स प्ले करके सिक्स स्ट्रिंग से लेकर मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग तक आया। अब जहाँ हमने रुका है वो लिटिल फिंगर जो है वो फोर्थ फ्रेट पे है, फर्स्ट स्ट्रिंग पे। अब हमने इसको एक फ्रेट शिफ्ट करना है, मतलब फोर्थ से फिफ्थ फ्रेट पे आना है और लिटिल फिंगर को शिफ्ट किया। अब मैंने उल्टा रिवर्स करके ऊपर जाएंगे, 5 4 3 2 उसके बाद क्या करना है, अब मेरा फर्स्ट फिंगर जहां मैंने रुका हूं उस फर्स्ट फिंगर को फिर आगे शिफ्ट करना है। तो सेकंड फ्रेट पे मैं रुका था, वहां से हमने थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर को शिफ्ट किया, फिर अगेन हमने चार चार फ्रेट प्ले करके नीचे आएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग तक। ठीक है, तो ये है 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। तो हमने फिर सिक्स पे रुका लिटिल फिंगर, हमें क्या करना है, फिर उसको एक फ्रेट आगे लेके जाना है सेवेंथ फ्रेट से, फिर हमें रिवर्स जाना है 7 6 5 4 7 6 5 4 7 6 5 4 7 6 5 4 7 6 5 4 7 6 5 4। फर्स्ट फिंगर अगेन शिफ्ट प्लस वन करके फिफ्थ फ्रेट पे ले आया, फिर 5 6 7 8 5 6 7 8 लिटिल फिंगर प्लस वन हमने आया, फिर नाइन्थ फ्रेट पे एट फ्रेट से, फिर 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6। फिर प्लस वन सेवेंथ फ्रेट, सेवेंथ एट नाइन टेन 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 सेवेंथ एट नाइन टेन। टेंथ पे रुका, फिर प्लस थ्री किया हमने, तो हमने इलेवेंथ फ्रेट पे आए, तो इलेवेंथ टेंथ नाइन एट इलेवेंथ टेन नाइन एट इलेवेंथ टेन नाइन एट इलेवेंथ टेन नाइन एट इलेवेंथ टेन नाइन एट इलेवेंथ टेंथ नाइन एट। एट पे हमने रुका है, फिर प्लस वन करना है, एट फ्रेट से नाइन्थ फ्रेट तक आया फर्स्ट फिंगर, फिर चार चार फ्रेट नीचे जाएंगे हमने 9 10 11 12 9 10 11 12 बस हमें यहाँ तक ही करना है, लेकिन एक रिदम के साथ हमें इसको करना है। तो पहले मैं स्लो दिखा रहा हूँ शुरू से लेकर,
तो हमने स्लो बजाया था, आप आपका क्या पहले स्लो शुरू करना है, उसके बाद आप जितना मर्जी इसको स्पीड कर सकते हो, ठीक है ना। जितना स्पीड करोगे उतना ही आपका लेफ्ट फिंगर जो है वो तैयार होगा। और पहले जैसे मैंने सारे डाउन डाउन स्ट्रोक कर रहा हूँ सब स्ट्रिंग पे, जब अच्छा प्ले होगा तो पहले भी जैसे पहले लेसन पे बताया था मैंने वह कि आपने राइट हैंड पे ऑल्टरनेट स्ट्रोक करना है, तो डाउन अप 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 डाउन अप। तो ऐसे करके आप प्ले कर सको, तो उसमें तो ये स्पीड आपको आना है, लेकिन शुरू में बिल्कुल नहीं करना ऐसे, बिल्कुल स्लो से शुरू करना है, सारे डाउन स्ट्रोक पे करना है पहले, उसके बाद जब फिंगर बैठ जाए या आ जाए प्लेइंग, उसके बाद आप अप एंड डाउन स्ट्रोक पे आप इसको हाई स्पीड पे प्ले कर सकते हो। ये वार्म अप लेसन है सारे, इसीलिए आप एवरी डे इसको कर सकते हो, 10-15 मिनट गिटार प्ले से पहले आप एवरी डे 10-15 मिनट इसको करते हो। लेकिन मोटो ये होगा कि आज जो स्पीड है कल थोड़ा सा इंक्रीज हो स्पीड, ये आपका मोटो होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका स्नेक लेसन। नेक्स्ट लेसन जो है वो है स्पाइडर लेसन। अच्छा, स्नेक लेसन कैसा उसे मैं बताया, क्योंकि देखो जैसे मैंने ऐसे जाऊँ, फिर मैंने ऐसे आया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे, तो ये जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने स्नेक दिया। नेक्स्ट लेसन हमने जाना है स्पाइडर लेसन। स्पाइडर लेसन जाने के लिए हमें ऐसे 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 जैसे स्पाइडर मूव करते हैं ऐसे हम मूव करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया हमें स्पाइडर लेसन। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको काउंटिंग लेना होगा। तो शुरू करते हैं हम इस लेसन को। तो पहले कैसे करना है, चार फिंगर से हमने चार फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग को बजाना है, 1 2 3 4। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है, नेक्स्ट स्ट्रिंग हमने शुरू करेंगे फास्ट नहीं, सेकेंड फ्रेट से, तो फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से, नेक्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, नेक्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग आपका सिक्स फ्रेट। तो हमने डाउनवर्ड्स आया था, हमने प्लस वन वन हर स्ट्रिंग पे प्लस वन करते करते नीचे आया था, तो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7, ठीक है, ये आया था। फिर से मैं एक बार आऊं, आप क्या करना है, यहां मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग तक आ गया, आप फर्स्ट फिंगर को जो है उसको हमने प्लस वन कर करके ऊपर जाना है। तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग पे रुका था, अब इस फर्स्ट फिंगर को हमने सेकंड स्ट्रिंग, हमने सिक्स पे रुका हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग, हम इसी फर्स्ट फिंगर को सेवेंथ फ्रेट पे ले जाएंगे, सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर प्लस वन किया एट फ्रेट पे आया थर्ड स्ट्रिंग, फिर प्लस वन किया फोर्थ स्ट्रिंग पे नाइन्थ फ्रेट, फिर प्लस वन किया टेंथ फ्रेट पे आया हमने फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर हमने इलेवेंथ फ्रेट पे आया सिक्स स्ट्रिंग। तो मेरा लिटिल फिंगर जो है वो एक्चुअली 14th फ्रेट पे आके रुका है। तो मैं एक बार नीचे से ऊपर एक बार फिर से धीरे से आपको दिखाता हूं। जहां रुका था नीचे वहां से फास्ट फिंगर से प्लस वन कर करके हमने ऊपर आ रहा है, तो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9, फिर 7 8 9 10, ठीक है, फिर 8 9 10 11, फिर 9 10 11 12, फिर 10 11 12 13, फिर 11 12 13 14, तो 14 पे हमारा फिंगर रुका। अब मैं रिटर्न जाऊंगा, नीचे आना है, तो क्या करना है, लिटिल फिंगर को हमने माइनस करना है, मतलब 14 पे रुका है, हमने लिटिल फिंगर को 13th पे ले आएंगे, फिर चार फ्रेट्स उल्टा जाएंगे रिवर्स, 13 12 11 10, फिफ्थ हमने फोर्थ स्ट्रिंग पे आएंगे 12th पे माइनस वन किया 13 से, 12 11 10 9, ठीक है, फिर हमने थर्ड स्ट्रिंग पे माइनस वन करके 11th फ्रेट आया,
तो इलेवन इलेवेंथ सॉरी हाँ इलेवन टेंथ नाइन एट, ठीक है। फिर हमने टेंथ फ्रेट से सेकंड स्ट्रिंग माइनस वन किया, तो टेंथ फ्रेट आया सेकंड स्ट्रिंग का, तो टेंथ नाइन एट सेवन, ठीक है। उसके बाद हम फिर नाइन्थ फ्रेट पे आएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे लिटिल फिंगर को माइनस वन किया हमने, तो नाइन एट सेवन सिक्स, तो यहाँ तक आया। तो फिर से मैंने फोर्टीन पे हमने रुका था, यहाँ हमने थर्टीन से हमने रिवर्स कर लिया, नीचे आ रहा हूँ, यहाँ आया। आप क्या करना है, हमें लिटिल फिंगर हमने नाइन्थ फ्रेट से स्टार्ट किया था, तब हमने फर्स्ट फिंगर सिक्स फ्रेट पे मिला। अब मैंने लिटिल फिंगर को हमने नाइन्थ से जगह एट से माइनस कर रहा हूँ, और नाइन्थ की जगह एट से हमने चार फ्रेट्स आगे जाना है, तो एट सेवन सिक्स फाइव, फिर माइनस वन, सेवन सिक्स फाइव फोर, फिर माइनस वन, सिक्स फाइव फोर थ्री, फिर माइनस वन, फाइव फोर थ्री टू, फिर माइनस वन, फोर थ्री टू वन। तो क्या हुआ, जिस जहाँ मैंने शुरू किया था जिस फिंगर से, हमने उसी फिंगर से वहाँ वापस आया, ठीक है। तो मैंने फिर से स्लो इस प्ले पे आपको सारे मैं दिखा रहा हूँ, वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन टेन, एट नाइन टेन इलेवन, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, माइनस थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन, ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन, इलेवन टेन नाइन एट, टेन नाइन एट सेवन, नाइन एट सेवन सिक्स, फिर एट सिक्स फाइव सॉरी एट सेवन, एट सेवन सिक्स फाइव, सेवन सिक्स फाइव फोर, सिक्स फाइव फोर थ्री, फाइव फोर थ्री टू एंड फोर थ्री टू वन, ठीक है। हाँ, मैंने कंटिन्यूस प्ले करके दिखाता हूँ आपको, स्पाइडर। पहले सारे डाउन स्ट्रोक ही करना है, जब अच्छा प्लेइंग आ जाए फिर अपने राइट हैंड पे जैसे मैंने बोला था अल्टरनेट स्ट्रोक का कर सकते हो, जैसे हाँ। तो इस स्पीड से आप फिर डाउन अप आप कर सकते हो, लेकिन शुरू में ही बोल रहा हूँ, मैंने शुरू में बिल्कुल नहीं कहना, पूरे लेसन को समझना, फिंगरिंग को अच्छी तरह से सेट करना, फिर डाउन स्ट्रोक पे आपको सारे करना है पहले, फिर जब आ जाए उसके बाद आप अप एंड डाउन स्ट्रोक पे हाई स्पीड पे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका स्पाइडर लेसन, तो तीनों फिंगरिंग लेसन आपने आपको दिखाया है, एक स्पाइडर था कैटरपिलर, दूसरा स्नेक, तीसरा स्पाइडर, सारे एक्चुअली क्रोमेटिक स्केल के ऊपर प्ले हुआ, मतलब हर फ्रेट प्ले हुआ इसके अंदर, इसीलिए इसको क्रोमेटिक स्केल भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको प्ले किया, तो आपने अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे, वो हम स्केलिंग शुरू करेंगे, ठीक है ना, सी स्केल से हम फिर नेक्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे, उसको समझाएंगे, फिर उसको आपको सारा लेसन आपको दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, बेल बटन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो जल्दी से मिल जाए, आपको शेयर करना, अगर जो न्यू है वो शेयर भी करना, ठीक है ना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।